आज की वीडियो में हम ये स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। ये देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह से 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे और पेंसिल लेकर के हम एक इस पर शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हम लाइट लाइट कर लेते हैं, अब हम इसको इस मार्क को डार्क डार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब मुझे इसके लिए एक स्केल ले लेती हूँ मैं और मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। इसी तरह से मैं इस लाइन से मिला करके 1.5 इंच पर सब जगह मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। इसकी इस तरह से करने से ये हमारा जो सब जगह से लाइन आएगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। ये देखिए मार्क कर लिए हैं, अब हम इनको मिला देते हैं। ये अब हमारे सब तरफ से बिल्कुल बराबर आ गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमारी जो इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। अभी हम खोल करके इसको देखते हैं अपने पेपर को। ये देखिए ये इस तरह से आ गई है। अब हम इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर लिया है कपड़े पर। अब मैंने ये इस तरह से पेसेस लिए हैं। ये कपड़ा जो है इसको मैंने 2 इंचेस इस तरह से और 2 इंचेस ही इस तरह से ले लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसका हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक और इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हमने ये सुई में धागा डाल लिया है और इस तरह से छोटे छोटे टाँके लेकर के हम इसकी इस तरह से एक लीफ बना लेंगे। इसको अच्छे से फिर हम इधर से धागा इसमें गुजारेंगे और इसको टाइट से करके इसको थोड़ा सा इसमें धागा और पक्का करने के बाद एक या दो बार हम इसको फोल्ड करेंगे धागे को, तो ये एक हमारी लीफ की शेप में आ जाएगी। इसी तरह से मैं जो ये सारे कपड़े हैं इनकी इसी तरह से लीफ बना लूँगी। पक्का करके इसका धागा कट कर देते हैं। अब हम ये और बना लेते हैं। इस तरह से फोल्ड किया और एक और फोल्ड किया और इस तरह से हमने इसके बिल्कुल कोने पर इस तरह से धागा डाल करके छोटे छोटे बारीक बारीक टाँके और ये धागा खींच करके फिर हम इधर से वापस निकालेंगे और ये इसी तरह से एक दो बार करने के बाद ये हमारा पक्का हो जाएगा और एक हमारी लीफ की शेप बन गई। ये देखिए इस तरह से बनाया है। ये मैंने सब कपड़ों के ये बना लिए हैं। अब हम अपना ये पेस्टिंग पेपर ले लेते हैं और जो मैंने ये चिपकाया था और इसके मैंने बिल्कुल साइड में इस तरह से एक अलग कलर्स के धागे से स्टिच लगा ली है, ताकि जो हमें इसमें ये लीफ लगानी है तो हमें वो लगाने के लिए पीछे की साइड कहना चाहिए कि पता चल जाए कि हमें किस तरह से लगाना है। इस तरह से इसका जो शेप है थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ करके मैंने कट कर लिया है और ये देखिए मैं इस तरह से रख कर दिखा रही हूँ। अब मैं इनको यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से लेकर के इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे तो ये जब हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी, अपनी जगह बिल्कुल सेट रहेंगी। ये देखिए ये लगा कर के हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। फिर हम इसको अपनी स्लीव्स पर रख कर के इस पर स्टिच लगाएंगे। और ये मैंने 3-3 लगाई हैं, इसका एक थोड़ा सा फ्लावर की शेप आ गई है। इसी तरह से हम इधर भी लगा लेंगे और यहाँ पर भी। ये देखिए ये हम इस तरह से लगा लेंगे।
अब मैंने ये इसको कपड़े पर लगा लिया है, यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली है। मैंने ये देखिए स्लीव्स की उल्टी साइड ली है और कपड़े की भी कपड़ा मैंने इस तरह से रखा था कि ये मेरा राइट साइड की तरफ को, कपड़े की सीधी साइड की तरफ को हमारा ये कपड़ा फोल्ड हो रहा है। अब जैसे हमने ये बाहर की तरफ फोल्ड किया है और जो मैंने ये अलग कलर की स्टिच लगाई है, इस पर मैं ये लेस रखने के बाद इस पर स्टिच लगाऊंगी, इसको यहाँ पर सिल दूंगी। ये मैंने जो लेस ली है इसको मैंने जो इसके ट्रायंगल है ये मैंने अंदर की तरफ लिए हैं और बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच लगाई है, और मैंने ये जो लेस ली है ये मैंने उल्टी रख करके इस पर स्टिच लगाई है। ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसको बिल्कुल किनारे किनारे पकड़ के और आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें ये थोड़े कर्व हैं डिज़ाइन में, अगर हम ये जल्दी करेंगे तो हमारी जो ये लेस है ये फिर सफाई से नहीं लग पाएगी। इसको अब हम कट कर लेंगे और इसमें मैंने बारीक बारीक कट भी लगाए हैं। अब हम इसको इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारा कपड़ा अंदर चला जाएगा और ये जो हमारी बारीक बारीक ये ट्रायंगल है ये बाहर की साइड आ जाएंगी। अब हम इसमें धीरे धीरे इस तरह से पकड़ के इसको स्टिच लगाते चले जाएंगे। इससे हमारी ये जो जो कहते हैं कि गुम सिलाई से जो लगाते हैं, ये गुम सिलाई से हमारी जो ये लेस भी लग गई है और ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन भी बन गया है। ये देखिए, इस तरह से स्टिच लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बना है। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया है। अब हम बिल्कुल इसके आगे भी स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे हम इस पर स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके किनारे पर स्टिच लगा ली है, ये इस तरह से हो गया है। अब हम इस पर आगे पर लगाएंगे, ये जब तैयार करेंगे तब हम यहाँ स्टिच लगाएंगे, लेकिन हम पहले ये पर्ल लगा लेते हैं। मैंने दो तरह के पर्ल लिए हैं, एक इसमें छोटे लिए हैं और एक बड़े लिए हैं। तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि एक जो बड़ा पर्ल है वो हम बीच में लगाएंगे और जो छोटे छोटे पर्ल हैं वो उनके साइडों में लगाएंगे। तो ये हम तीन पर्ल एक साथ अटैच करेंगे तो ये एक अच्छा सा इसका डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, एक मैंने बड़ा पर्ल लगाया है और इसकी ठीक बराबर में बिल्कुल इस तरह से एक ये छोटा पर्ल लगाया है, बिल्कुल इससे मिला करके लगाना है इस तरह से करके। अब हम एक इधर की साइड भी एक छोटा पर्ल लगा लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से डिज़ाइन इसका पर्ल का बन जाएगा और इसको अच्छे से पक्का करेंगे ताकि ये हमारा धुलने के बाद भी ये धागा खुले नहीं, हमारा पर्ल निकले नहीं, तो इसलिए इसको हम अच्छे से पक्का करके लगा लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से लग गया है, इस तरह हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये मैंने दो तो मतलब के दो तो मैंने ये अटैच कर लिए हैं और मुझे इधर साइडों में भी लगाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसकी स्टिच कर लूँगी। ये मैं इस तरह से 6 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी और ये 7 इंचज़ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह से करके इसको ऐसे मार्क कर दूंगी और इस तरह फिर हम इसमें स्टिच लगाते हैं। तो ये थोड़ी बेल शेप में हमारी स्लीव्स आ जाएंगी और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके यहाँ पर बारीक बारीक कट लगा देंगे ताकि ये हमारा आराम से इसकी बहुत अच्छी सी शेप आ जाए। अब ये थोड़ी सी बेल शेप में हमारी स्लीव्स हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर पर्ल लगा लूँगी। ये मैंने पहले नहीं लगाए थे क्योंकि फिर स्टिच करने में परेशानी होती, तो ये मैंने जो बिल्कुल जो लगाई हैं इसकी बराबर में लगाई हैं ये स्टिच करके,
ये देखिए ये फाइनल लुक इसका इस तरह से है स्लीव्स का। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।